पक दादा गुरु ने अपनी संवेदनाएं इस लिखित रूप में हम सबके पास भेजी हैं, मैं उसे पढ़कर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेतना अपरा अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परब्रह्मण्यस्य चेता। सन्यासी जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज की पुण्य श्लोका मातुश्री रुक्मिणी देवी का निधन आध्यात्मिक जगत के लिए वेदनापूर्ण घटना है। देहांतर सबका अनिवार्य एवं अपरिहार्य है। उनकी आत्मा की शांति के लिए अखिल विश्व समन्वय परिवार के सहस्रों सदस्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। परमाचार्य गुरुदेव स्वामी दादा गुरुजी महाराज अपनी भावांजलि सत्यमित्रानंदगिरिजी महाराज अपनी भावांजलि समर्पित करते हैं। समन्वय साधना परिवार। इसी क्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का शोक संदेश उसी रात गुरुदेव को टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त हुआ। भारत की हिंदू धर्म आचार्य सभा जिसमें गुरुदेव जिसके सुमेरु हैं और जिसमें भारत के 156 आचार्य हैं, जिसमें चारों शंकराचार्य हैं और जिसमें सभी संप्रदायों के आचार्य मौजूद हैं, ऐसी भारत की यशस्वी हिंदू धर्म आचार्य सभा के ट्रस्टी गणों ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रस्तुत की हैं, भेजी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने भी टेलीफोन के माध्यम से अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के की ओर से तथा प्रोफेसर जनार्दन द्विवेदी जी की ओर से भी पूज्य गुरुदेव को शोक संवेदनाएं प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी यादव और उनका परिवार, राजस्थान की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी गौर के साथ हिंदुस्तान के नहीं वरन विश्व के एक बहुत बड़े उद्योग जगत के स्वामी आदरणीय श्री रतन जी टाटा ने भी अपनी शोक संवेदनाएं यहां भेजी हैं। मैं दैनिक जागरण परिवार, टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रीमती इंदु जैन जी, राजस्थान पत्रिका के आदरणीय श्री गुलाब जी कोठारी, भारत माता मंदिर के महंत आदरणीय श्री ललितानंद जी महाराज, देश भर के अनेकों उद्योगपति विचारक तथा राजनीतिज्ञों ने टेलीफोन के माध्यम से अपनी शोक संवेदनाएं, अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी भावांजलि
गुरुदेव को दी है। हम सभी इस